नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। ताबड़तोड़ का वक्त हो गया है, लेकिन बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आ रही है मुख्यमंत्री को लेकर। सीएम आदित्यनाथ श्रावस्ती का दौरा करेंगे और जिले के जमुनहा तहसील के राप्ती बैराज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11 दिसंबर को पीएम मोदी परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। शाम को गोरखपुर जा सकते हैं सीएम, ये जानकारी सामने आ रही है। तो गोरखपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ होंगे। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं श्रावस्ती से, जहां गोरखपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई परियोजनाओं को सौगात भी देंगे और पीएम मोदी का दौरा है जिसको लेकर भी तैयारियों का जायजा लेंगे। तो शाम को गोरखपुर भी जा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में दोपहर करीब 12:20 पर हुआ। हेलीकॉप्टर में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों का निधन हो गया। बताया जा रहा कि हादसे के बाद सभी घायलों को गंभीर हालत में बेलेंटिंग के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां उनका निधन हो गया। यह हादसा तमिलनाडु के कोयम्बटूर और सुलूर के बीच हुआ। जनरल रावत एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। हेलीपैड से 10 मिनट की दूरी पर घने जंगलों के बीच हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे की वजह खराब मौसम बताई जा रही है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इकलौते सर्वाइवर रहे, जिन्हें घायल अवस्था में वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में घायल हुए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जिनको इलाज चल रहा है। वरुण सिंह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील के खोरमा कन्हौली गांव के रहने वाले हैं और डीएमएससी में पदस्थ होने के चलते उनका पूरा परिवार तमिलनाडु में रहता है। साल 2020 में एक हवाई इमरजेंसी के दौरान अपने LCA तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए वरुण सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। आज जहां पूरा देश सीडीएस बिपिन रावत की दुखद घटना से हुई मौत के बाद सदमे में है, वहीं आगरा के लाल का भी इस हादसे में निधन हुआ। थाना न्यू आगरा की सरन नगर के निवासी सुरेंद्र सिंह के बेटे पृथ्वी सिंह चौहान का भी तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हादसे में निधन हुआ है। जैसे उनकी शहादत की खबर, परिवार वालों को लगी मानो दुखों का अंबार टूट गया। पृथ्वी सिंह चौहान के पिता ने सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पृथ्वी उनके इकलौते और सबसे छोटी संतान थी। उन्होंने बताया कि उनके पास तक अभी सीधी अधिकारी जानकारी नहीं है, लेकिन मुंबई में रह रही सबसे बड़ी बेटी शकुंतला ने टीवी पर खबर देखी तो उसे पृथ्वी की पत्नी कामिनी का फोन किया, जहां उन्हें बेटे के निधन की जानकारी मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। इस दौरान सीएम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। यूपी में चुनाव की बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है। इसी क्रम में सभी राजनीतिक दल रैली और जनसभा कर रहे हैं। बहराइच जिले में आज सपा और सुभासपा ने महापंचायत का आयोजन किया है। ये महापंचायत जिले के बलहा विधानसभा में आयोजित की जा रही है। महापंचायत के मुख्य अतिथि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर का स्वागत कार्यक्रम महापंचायत स्थल से लगभग 150 किलोमीटर पहले घाघरा घाट से शुरू हो जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सीतापुर में करोड़ों की सौगात देंगे। करीब 3 बजे तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीतापुर पहुंचेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। डिप्टी सीएम की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए महिला घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बुधवार को लखनऊ में घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बताया कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण दिया जाएगा, साथ ही 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिलेगी।
घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकारी पदों में लगभग 9% भागीदारी है, जिसे हम 40% करेंगे। महिलाओं की तरफ से संचालित छोटे व्यापारियों से टैक्स में छूट मिलेगी। प्रियंका गांधी ने महिला घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि मेरी आशा है कि यह पहला महिला घोषणा पत्र नहीं होगा, इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि महिलाओं की भागीदारी को सीरियसली लिया जाए। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने 13 दिसंबर को वाराणसी आ रहे हैं। 1 दिसंबर से विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा 13 दिसंबर से 14 जनवरी तक भव्य काशी दिव्य काशी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को भव्य बनाने जा रही है। इसके अंतर्गत धर्मार्थ कार्य विभाग लोकार्पण समारोह का स्क्रीनिंग पूरी दुनिया के मठ मंदिर में ऑनलाइन तरीके से करने की तैयारी भी की जा रही है। आगरा के पिनाहट क्षेत्र में भाजपा के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर जमकर अवैध वसूली की जा रही है। निःशुल्क युवक प्रशिक्षण के दौरान 400 रुपए की अवैध वसूली से युवाओं में आक्रोश देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बादा के दरमियान नगर पंचायत क्षेत्र में तेज हवा साफ सफाई का मंडलायुक्त ने जायजा लिया। वहीं साफ सफाई के दरमियान नगर पंचायत नगर पालिका के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंडलायुक्त दिनेश कुमार सिंह ने सफाई कर्मचारियों से आने वाली समस्याओं का जायजा लिया। आगरा के शागन थाना क्षेत्र में मलका चबूतरा पर नगर निगम ने सालों पुरानी समाधि तोड़ दी। बगैर किसी प्रशासनिक अनुमति से निगम ने शमशान की समाधि तोड़ दी, जिसके बाद लोगों ने निगम के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी। आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र में करीब 15 से 20 फुट लंबा जिगर मिलने से ग्रामीण दहशत में आ गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया। इटावा में सफाई सर्किल में पत्रकारों का सहयोग करने वाले और अपराधों पर रोकथाम लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन भारत के पदाधिकारियों ने सीईओ सफाई विजय सिंह को पगड़ी और अंगवस्त्र और साथ में सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। जालौन के चुरकी थाना क्षेत्र में लड़कियों के डांस के दौरान युवक ने तमंचे में खुलेआम फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस जांच में जुट गई। फरुखाबाद के कंपिल थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। सहारनपुर के इंद्रा चौक क्षेत्र में एक लकड़ी के कारखाने में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एटा के मीरहर्ची थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में झाड़ियों में नवजोत शिशु का अवस्था में शव मिला है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायल नवजात को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया। लखीमपुर खीरी में गन्ना किसानों का पिछले साल का भुगतान अब तक नहीं देने के बाद आक्रोश किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले बजाज ग्रुप के चीनी मिलों में गेटों पर धरना की श्रृंखला जारी करके मिलों में गन्ना सप्लाई बंद करवा दी। गोंडा के बलरामपुर क्षेत्र में गन्ने के खेत के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में ऑटो चोरी कर भाग रहे ऑटो चोर को लोगों ने पकड़ लिया है और जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमीरपुर के सदर कोतवाली इलाके में युवक की मौत के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को ना गिरफ्तार करने के मामले में आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान सीओ सदर सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव नाले में मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में एक नवजात मासूम नहर में बहता मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को नहर से निकलवाकर सीएससी में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। अमेठी के जायज कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक सवार को जानवर ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया।
हमीरपुर के ब्रह्मा क्षेत्र में डेरा निवासी ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर उन्हें बताया कि सरकारी आवास नहीं मिल रहा है और उनके यहाँ सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है, जल भराव हो जाता है जिससे आने जाने में बहुत समस्याएं होती हैं। मैनपुरी के सर्विलांस टीम ने साथ मिलकर एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी क्राइम की टीम बनाकर लोगों को उठाकर उनके ऊपर दबाव बनाकर पैसों की वसूली करता था। शातिर गिरोह में एक पुलिस का बर्खास्त सिपाही भी शामिल था जो गिरोह का संचालन करता था। सहारनपुर में पुलिस ने नशा तस्करों का खुलासा करते हुए एक महिला सहित कुल 3 नशा तस्करों को 566 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार बरामद स्मैक की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। वहीं एसएसपी आकाश तोमर ने पुलिस के इस गुड वर्क के लिए 25,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में शोरूम में घुसकर बदमाशों ने गोली मार डकैती की घटना को अंजाम दिया है और अभी तक जानकारी जो मिली है, दो बदमाश शोरूम से घुसकर गोली मारने के बाद लूट को अंजाम देकर फरार हो गए थे। गोली लगने से एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। बाराबंकी के दरियाबाद कोतवाली क्षेत्र में सरिया लदी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली के किनारे जाकर एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और इलाज के लिए युवक को अस्पताल भेजा। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर के आरोपी डॉक्टर को सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और घटना के बाद आरोपी डॉक्टर अटल घाट पर पहुंचा था जहां सर्चिंग अभियान में अभी तक डॉक्टर का शव नहीं मिला है। बागपत में इंटर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर 1 दिसंबर को पंजाब के किसान के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गाजियाबाद निवासी 2 किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने किन्नरों के पास से लूटी हुई 30,000 रुपए की रकम भी बरामद की है। फतेहपुर के हथगाम थाना क्षेत्र में घर में शिलाकाय अजगर निकलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग अमला की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया गया। सहारनपुर के कोतवाली बेहट इलाके में बारात में डीजे पर डांस करते समय 2 पक्षों में विवाद हो गया जिसमें जमकर लाठगोश्ते चले। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। वहीं मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी में संदिर के नजदीक सड़क किनारे गांव निवासी सुरेंद्र सिंह के खेतों में एक तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना इलाके में तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने पैदल जा रहे राहगीर को टक्कर मार दी जिससे कि राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एटा के आवागढ़ थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई जिसमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस डिवाइडर से टकरा गई जिसमें कई दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। बहराइच में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग की। वही मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी लगातार हर्ष फायरिंग की जा रही है। ऐसा ही एक मामला सीतापुर के संदना थाना क्षेत्र से आया है जहां तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान एक 22 साल की युवती की गोली लगने से मौत हो गई। श्रावस्ती के गिलौला थाना क्षेत्र में सिरफिरे युवक ने 90 साल के वृद्ध के गर्दन पर तलवार से हमला कर दिया जिससे वृद्ध की गर्दन कट गई और वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ी गाड़ियों के बीच आधा घंटे तक डीएम की गाड़ी फंसी रही। वहीं गाड़ी फंसने पर डीएम पैदल ही वीडियो कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और इस दौरान बीएसए समेत कई अधिकारियों की गाड़ी के चालान भी काटे गए। औरैया के बिधुना क्षेत्र में श्री गजेंद्र सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के तहत गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में महिला थानाध्यक्ष ने छात्राओं को 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर के बारे में छात्राओं को जानकारी साझा की।
रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित बस खाई में पलट गई, जिसमें दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। हमीरपुर के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में पत्नी के मायके जाने से नाराज पति ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। बता दें कि कुछ दिन पहले भी युवक ने डाई पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। बाराबंकी के दरियाबाद कोतवाली क्षेत्र में सरिया नदी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने किनारे जा रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और इलाज के लिए युवक को अस्पताल भेजा। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में दिवंगत CTS जनरल बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ सभी ने शोक संवेदना प्रकट किया है। वहीं हरिद्वार विधायक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सदन के भीतर सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड में निर्माणाधीन सैन्य धाम या राज्य का किसी यूनिवर्सिटी का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाए, जिससे कि शहीद जनरल बिपिन रावत को हमेशा के लिए याद रखा जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 16 दिसंबर को होने वाली रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देने के लिए इस रैली को परेड मैदान में ही कराने की तैयारी है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में निर्णायक जीत के योद्धाओं अथवा उनके शहीदों को सम्मानित भी राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के लगातार 3 माह में 3 दौरे की काट ढूंढ रही है। मुकाबले के लिए राहुल गांधी का दौरा पार्टी ने तय कर दिया है। पार्टी रैली को कामयाब बनाने के लिए पूरी ताकत में राहुल गांधी लगेंगे। फरुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 दुकानों में नकाब लगाकर लाखों की चोरी की और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराकर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। ललितपुर ने खडेडा कोतवाली क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में पिता और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चंदौली के ग्राम चंद्ररखा नेशनल हाईवे पर मां कालिका ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट के संचालक की सनसनीखेज तरीके से हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि ढाबा पर नौकरी कर रहे युवक ने ही चंद पैसे के लिए अपने मालिक को 1-2 नहीं बल्कि फावड़े से 3 टुकड़े में काट दिया था। इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र में SL कोल्ड स्टोर में अमोनिया गैस लीक होने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और संबंधित अधिकारियों की मदद से कोल्ड स्टोर से लीक हो रही अमोनिया गैस को बंद करवाया। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में बस ने कार के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सभी यात्री और ड्राइवर बाल बाल बच गए। हादसे के बाद राहगीरों ने ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाला। प्रतापगढ़ के कोहडौर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र में भाजपा के पूर्व विधायक रहे श्याम बिहारी सिंह के बेटे को भागवत कथा के दौरान गोली मार दी गई, जिसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में एक रात में 3 घरों का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी और जेवरों पर हाथ साफ कर फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में सड़क पर 45 साल के युवक की सिर कूंच कर हत्या कर आसपास के इलाके में सनसनी फैला दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फरुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में बगीचे में अधेड़ का शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मैनपुरी के बिबर थाना क्षेत्र में अराजक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर कार्रवाई का भरोसा दिया। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राजधानी देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी तो दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत के परिजनों से मुलाकात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कल अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे सीएम धामी। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, थोड़ी ही देर में सीएम धामी अब
दिल्ली के लिए रवाना हो गए और दिवंगत सीडीएस विपिन रावत की पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और कल अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे सीएम धामी। अजीत कांबोज हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। अजीत, जानकारी आ रही है कि सीएम धामी दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। बिल्कुल, अब से कुछ ही समय पहले मुख्यमंत्री विधानसभा भवन से अपने आवास के लिए रवाना हुए हैं और पूरा आज का जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र था वो पूरी तरह से दिवंगत शहीद जनरल बिपिन रावत जी को समर्पित था। सभी जितने भी माननीय विधायक थे सभी ने विधानसभा प्रवेश से पहले उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया और एक मौन धारण विधानसभा के अंदर किया गया है। राष्ट्रीय पूरी कार्यवाही को विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित कर दिया है कल तक के लिए। तो सदन के भीतर का आज का माहौल अगर देखा जाए तो काफी गमगीन रहा। सभी ने जनरल बिपिन रावत जी को लेकर तमाम तरह के वक्तव्य साझा किए कि उनके साथ उनका जीवन काल कैसा रहा है। उत्तराखंड से ही थे बिपिन रावत जी तो सभी विधायकों का उनसे किसी न किसी तरीके से मिलना जुलना रहा है। तो ऐसे में सभी ने अपनी जो भी यादें थी उनको साझा करने का काम किया है और एक प्रस्ताव भी विधानसभा में जो संसदीय कार्य मंत्री है उनकी तरफ से रखा गया है कि प्रदेश की किसी यूनिवर्सिटी का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाए तो उसको भी सहमति मिल चुकी है और अब यह तय किया जाएगा कि किस विश्वविद्यालय का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। तो आज का पूरा कार्यक्रम केवल श्रद्धा सुमन अर्पित करने को था और अब सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हुई है और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल अजीत, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है क्योंकि जो पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत वो देहरादून या कहें कि उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं तो उत्तराखंड के लिए देवभूमि के लिए तो ये बहुत बड़ा शोक का विषय है। लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि अजीत जी की सीएम धामी कल अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे, परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है उसके अनुसार अब से कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे तो सीधे जनरल बिपिन रावत के आवास पहुंचेंगे, वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही परिजनों से मुलाकात करेंगे, अपनी शोक संवेदना प्रकट करेंगे और जो रात्रि विश्राम है वो दिल्ली में रहेगा और जब कल अंतिम संस्कार होगा जनरल बिपिन रावत का तो उस पूरी प्रक्रिया में भी मुख्यमंत्री धामी शामिल होंगे और कल देर रात को 7 बजे के लगभग उनकी देहरादून वापसी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए, नजर बनाकर रखिएगा। तो आपको बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे, सीएम धामी अब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। सीएम धामी अब दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के परिजनों से मुलाकात करेंगे और कल अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही, आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।